हुआ मिरर फॉर्मूला लिखिए टू प्रूव वन बटा भी प्लस वन बटा ई इक्वल टू वन अपॉन एफ फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए अब ध्यान दीजिए बाबू, हमें कॉन्वेक्स मिरर के लिए वन बटा भी प्लस वन बटा यू इक्वल टू वन बटा एफ क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बाबू, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका क्या हो गया पोल हो गया बाबू, ये आपका क्या हो गया पोल हो गया। कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बाबू, कहीं भी रख देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है, कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए बाबू ए और बी, आपका क्या हो गया ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब बाबू ध्यान दीजिए, हम आप जानते हैं कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहां से क्रॉस करती है, फोकस से टुवार्ड्स द फोकस, फोकस की ओर जाती है, कहां जाती है फोकस की ओर जाती है, फोकस की ओर जाती है, ये रहा कहां जाएगी, क्या एपियर होगी फोकस की ओर एपियर होगी, एपियर टू द फोकस। एक रे को हम क्या लेंगे बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगी बाबू और क्या हो जाएगी सेम पाथ से रिटर्न बैक हो जाएगी, सेम पाथ से क्या हो जाएगी बाबू रिटर्न बैक हो जाएगी। तो इमेज कहां पे बना, इस पॉइंट पर बना, तो इसे हम एडस मान लेते हैं, बीडस मान लेते हैं। अब बताओ बाबू एक रे को पोल पर इंसिडेंट कराते हैं, तो जिस रे को हम पोल पर इंसिडेंट करा रहे हैं बाबू वो आपको क्या दिख रहा है, वो भी आपका ध्यान दीजिए ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे बाबू पी पॉइंट नाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और पी से क्या किए इसे ज्वाइन कर दिए, तो ये ज्वाइन किया बाबू तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब बताइए ये आपका क्या हुआ, एक पोल हुआ, एक पोल हुआ ना। अब ध्यान दीजिए ये आपका क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस हुआ, इमेज डिस्टेंस क्या होता है नेगेटिव, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये आपका क्या था ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा भी पॉजिटिव, ये आपका फोकस है, फोकस है, फोकल लेंथ भी क्या होगा पॉजिटिव होगा बाबू,
ये क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो R इक्वल टू 2F, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, सिर्फ इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, ओनली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है बाबू निगेटिव होता है। लिखिए कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड एट द प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो दिक्कत ए डैश बी डैश इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो बाबू अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होगा बाबू पी बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू माइनस यू पी बी डैश इक्वल टू इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू भी पी एफ इक्वल टू फोकल लेंथ इक्वल टू एफ पी सी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वेचर आर इक्वल टू टू एफ। ये क्या हो गया बाबू अब ध्यान दीजिए, अब इन ट्रायंगल देखिए बाबू ए बी पी, ध्यान दीजिए इसमें आप कौन सा ट्रायंगल का चर्चा करोगे ए बी पी, यही है ना, ए बी पी, और एक ट्रायंगल कौन सा चर्चा करोगे बाबू ए चर्चा करोगे ए डैश बी डैश पी की चर्चा करोगे करोगे ना, या ए बी सी सॉरी, और एक ट्रायंगल क्या बनेगा ए बी पी तो है ही, और एक ट्रायंगल और बन रहा बाबू, वो ट्रायंगल क्या है ए बी सी है, ए बी सी है, तो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए बी सी में ए डैश बी डैश सी और ए बी सी में, तो ध्यान दीजिए बाबू एंगल ए डैश बी डैश सी इक्वल टू एंगल ए बी सी 90 डिग्री, एंगल ए डैश सी बी डैश इक्वल टू एंगल ए सी बी क्या है कॉमन है बाबू, क्या है कॉमन है, जब कॉमन है बाबू देखिए ए एंगल क्या हुआ ए डैश बी डैश सी में भी कॉमन हो गया, ए बी सी में भी क्या हो गया कॉमन हो गया, तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से
भाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी। इस इक्वेशन क्या मान लेंगे, वन मान लेंगे। अब कौन सा ट्रायंगल को लेंगे बाबू, ये तो ये ले लिए। अब सेकंड ट्रायंगल ध्यान दीजिए ए बी पी और ए डैश बी डैश पी डैश, क्या ए डैश बी डैश पी डैश लेंगे। अब बताइए एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है ना, होता है। तो ध्यान दीजिए बाबू इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी में, तो ध्यान दीजिए बाबू ए डैश बी डैश पी और ए बी पी में एंगल ए डैश बी डैश पी इक्वल टू एंगल ए बी पी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया बाबू, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। एंगल ध्यान दीजिए बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ए पी बी और इसे डी मान लीजिए, इसे क्या मान लेते हैं बाबू डी, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल बी पी डी, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई आर एंगल आर। अब बताइए बाबू एंगल बी पी डी इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश, कोई दिक्कत, इसे इक्वेशन टू मान लीजिए, इसे इक्वेशन थ्री मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट एंगल ए पी बी ए डैश पी बी डैश इक्वल टू एंगल ए पी बी। अब बताइए बाबू बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिए एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ए डैश ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर ट्रायंगल ए बी पी, तो ए डैश अपॉन बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। अब देखो बाबू इसके इक्वेशन क्या मान लेंगे, फोर मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर बी गेट बी सी डैश सॉरी बी डैश सी अपॉन बी सी इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। अब बी डैश सी को क्या लिखेंगे बाबू, बी डैश सी को क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी बी डैश। बी सी को क्या लिखेंगे बाबू, बी सी, बी सी ये है ना, तो बी सी को लिख सकते हैं पी बी प्लस पी सी, बी सी को क्या लिखेंगे पी बी प्लस पी सी इक्वल टू पी बी डैश बटा पी बी। अब बताइए पीसी कितना है बाबू, पीसी आपका है 2f, पीबी डैश कितना है भी, पीबी कितना है माइनस यू प्लस 2f इक्वल टू पीबी डैश कितना है भी बटा माइनस यू। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे,
तो माइनस टू यू एफ प्लस यू भी इक्वल टू माइनस यू भी प्लस टू भी एफ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू भी एफ माइनस टू यू एफ प्लस यू भी अपॉन यू भी एफ इक्वल टू माइनस यू भी प्लस टू भी एफ अपॉन यू भी एफ तो ध्यान दबाओ माइनस टू यू एफ अपॉन यू भी एफ प्लस यू भी अपॉन यू भी एफ इक्वल टू माइनस यू भी अपॉन यू भी एफ प्लस टू भी एफ अपॉन यू भी एफ ध्यान दीजिए बाबू ईवी से ईवी कैंसल वीएफ से वीएफ कैंसल ईवी से ईवी कैंसल यूएफ से यूएफ कैंसल तो क्या आ गया बाबू ये आ गया माइनस टू अपॉन भी प्लस वन अपॉन एफ इक्वल टू माइनस वन अपॉन एफ प्लस टू अपॉन यू कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बाबू वन बटा एफ अपॉन वन बटा एफ टू बटा यू अपॉन टू अपॉन भी तो वन बाई एफ क्या देगा टू बाई एफ और टू बटा यू प्लस टू अपॉन भी दे देगा तो क्या आ गया बाबू टू अपॉन एफ इक्वल टू टू इंटू वन बट्टा यू अपॉन वन आई भी टू से टू कैंसल आउट हो गया वन टाइम्स वन अपॉन एफ इक्वल टू क्या आ गया वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन भी तो वन अपॉन एफ इक्वल टू क्या आ गया वन अपॉन भी प्लस वन अपॉन यू आ गया। ये आपका क्या हो गया मिरर फॉर्मूला हो गया क्या हो गया मिरर फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर देता और इजी हो जाता किए नहीं यू भी और ए भी ऐड हो जाता और टू इधर लेके चलाते तो और इजी हो जाता। तो ये आपका क्या हो गया बाबू मिरर फॉर्मूला किसके लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब लिनियर मैग्निफिकेशन अब कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बाबू लिनियर मैग्निफिकेशन का प्रूफ पढ़ेंगे। तो लिनियर मैग्निफिकेशन का प्रूफ क्या होगा बाबू तो फिगर तो सेम ही रह जाएगा। चलिए फिर से ड्रॉ करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ लिनियर मैग्निफिकेशन एक्सप्रेशन ऑफ लिनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का क्या है लिनियर
मैग्निफिकेशन है। देखो बाबू ये आपका क्या हुआ, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हुआ, ये आपका पोल हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ ए और बी। ये बी क्या हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम क्या बताए थे, एक रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कराएंगे जो कहां से क्रॉस करेगी बाबू, फोकस से आती है टुवार्ड्स द फोकस, वो फोकस की ओर अपीयर होगी, फोकस की ओर अपीयर हो गई। तो देख क्या आते एक रे को ये आपका फोकस हुआ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये आपका क्या हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। अब देखिए इमेज कहाँ पे कट कर रहा है बाबू, इस पॉइंट पर इमेज कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को ए डैश मान लेते हैं और बी डैश मान लेते हैं, कहाँ मान लेते हैं बी डैश मान लेते हैं। ये करे को बाबू पोल पे इंसिडेंट कराते हैं, चोरे को पोल पर इंसिडेंट कराते हैं बाबू, वो क्या होती है इक्वल एंगल से अपीयर होती है, क्या होती है इक्वल एंगल से अपीयर होती है। तो इक्वल एंगल से अपीयर हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत है? नहीं। अब ध्यान दीजिए बाबू, ये आपका मिरर है, ये आपका पोल हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया माइनस यू, ये आपका इमेज हो गया बाबू भी, ये आपका फोकल लेंथ एफ हो गया बाबू, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू टू एफ हो गया। कोई दिक्कत है? बस सेम चीज को लिख देना है प्रूफ में, अकॉर्ड कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ए डैश बी डैश इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। ए डैश बी डैश क्या वर्चुअल और इरेक्ट मिरर है, इमेज है कहां पे कॉन्वेक्स मिरर पे। तो अकॉर्डिंग फ्रॉम ए न्यू कार्टेशियन प्रसारी कन्वेंशन, फ्रॉम ए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बाबू पी बी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, इसे एच वन मान लीजिए, इसे एच टू मान लीजिए, पी बी डैश इक्वल टू इमेज डिस्टेंस भी, ए बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
एच वन ए डैश बी डैश इक्वल टू इमेज डिस्टेंस एच टू, क्या हो गया एच टू हो गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बाबू, ऊपर से रेज करते हैं, क्या क्या स्पेस कम है। अब ध्यान दीजिए बाबू, हमें क्या चाहिए, हम कौन कौन सा ट्रायंगल को कंग्रुएंट कर दें। तो अगर हम ट्रायंगल ए डैश बाय डैश पी और ए पी बी को इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी में एंगल ए डैश बी डैश पी इक्वल टू एंगल ए बी पी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा बाबू। एंगल देखो बाबू, अभी हम प्रूव किए हैं एंगल ए डैश पी बी डैश इक्वल टू एंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, ए एंगल और ए एंगल हो जाएगा इक्वल। कैसे इक्वल हो जाएगा बाबू, ये अभी हम प्रूव किए थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम प्रूव किए थे कि ए इसके इक्वल होता है एंगल आई एंगल आर के। और देखो ए एंगल बी पी और इसको डी मानते हैं, तो बी पी डी और ए डैश बी डैश पी क्या होता है, इक्वल हो जाता है देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और फिर इस एंगल और एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे कॉमन एंगल से। तो हमें अभी हम प्रूव किए हैं इसके पहले वाला में, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो बाय एंगल बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कर दो, बाय लॉ ऑफ एंगल आई इक्वल टू एंगल आई आर से कर दो ना, समझ में आ जाएगा। बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर ट्रायंगल ए बी पी, बताइए बाबू क्या आता है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी पी बी डैश अपॉन पी बी। ए डैश बी डैश को क्या कहेंगे बाबू, एच टू, ए बी को क्या कहेंगे, एच वन। अब बताइए पी बी डैश क्या होता है, वी अपॉन माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो बताइए एम इक्वल टू होता क्या है, एच टू अपॉन एच वन होता है ना, तो यहाँ पे एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी अपॉन यू। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बाबू, देखिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, और कॉनकेव मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बाबू, पॉजिटिव होता है। तो आपका क्या हो गया, दोनों ए बी पी और ए डैश बी डैश पी को इसके पहले वाला में सेम फिगर था कॉन्वेक्स मिरर में, वहां से सिमिलर बनाए थे, तो डायरेक्ट लिख दियो, और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और पी बी डैश अपॉन पी बी। तो पी बी डैश आपका भी है और पी बी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ए बी आपका क्या है, ए डैश बी डैश इमेज का हाइट है, और ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट है। सॉरी वो हाइट था बाबू, हम लिखना भूल गए, सब हम डिस्टेंस लिख दिए हैं, आप लोग उसको राइट कर लीजिएगा। लिनियर मैग्निफिकेशन में हम जो लिखे हैं ए बी, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और ए डैश बी डैश क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज होगा। इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी गलती से लिखा गया है, सब में डिस्टेंस लिख रहे थे तो डिस्टेंस से लिखते चले गए, हाइट है बाबू। एच वन एच टू क्या होता है, हाइट होता है।